फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कर पर। हम लाए हैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी की स्पेशल सीरीज, जिसमें मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके IAS, UPPCS, MPPSC, SSC, रेलवे, MPSI एंड अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये हमारी ज्योग्राफी की पहली वीडियो है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, डॉम्पियर होजोस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपकी ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, पलक जलड मरुमध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सुंदरवन। इसका सही आंसर है सुंदरवन। डॉम्पियर होजोस रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिसे 1829-30 में खींचा गया था। यह रेखा सुंदरवन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है। यह रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि डेल्टा का निर्माण किस तरह से किया जाता है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? आपकी ऑप्शन है अपक्षरण, गलिंग, क्रीप, प्लकिंग। इसका सही आंसर है अपक्षरण। ग्लेशियर में बाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है। आप इस पिक्चर में ग्लेशियर देख रहे होंगे कि बर्फ का ग्लेशियर कैसा रहता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपकी ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही आंसर है गुजरात। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के चार प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, मलप्रभा नदी। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। अलमाटी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे? आपकी ऑप्शन है सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 पर, सुबह 4:45 पर, सुबह 4:50 पर। और इसका सही आंसर है सुबह 4:30 पर। इंग्लैंड का ग्रीनविच मीन टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसके ऑप्शन है NH44, NH1, NH2, NH14। इसका सही आंसर है NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपकी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाए हैं वो आप तक पहुँचे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की लदांग कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? आपकी ऑप्शन है रोपाई, स्थानांतरण कृषि, मिश्रित खेती या बागवानी। इसका सही आंसर है स्थानांतरण कृषि। यह स्थानांतरण कृषि है। इसे मेक्सिको में सिल्पा, वेनेजुएला में कॉनिको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मशेलो और वियतनाम में रे कहा जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? आपकी ऑप्शन है भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या पेनगंगा नदी। इसका सही आंसर है गोदावरी। बबली परियोजना बांध महाराष्ट्र सरकार द्वारा गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर जल के बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? आपकी ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यह गर्म जल स्रोत चर्म रोग के उपचार में उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। आपकी ऑप्शन है कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलोर। आपका सेकंड ऑप्शन है कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मंगलोर। थर्ड ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलोर। फोर्थ ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलोर या कोचीन। इसका सही आंसर है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट एंड मंगलोर। उपरोक्त बंदरगाहों के दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम यह होगा, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट एंड मंगलोर। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? आपकी ऑप्शन है टैगा, टुंड्रा, चपरल या सवाना। इसका सही आंसर है टुंड्रा। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। इस स्थान पर अत्यधिक सर्दी पड़ने के कारण इस स्थान पर वनस्पति सबसे कम पाई जाती है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? इसके ऑप्शन है 30%, 40%, 60% या 70%। इसका सही आंसर है 60%। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 200,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? आपकी ऑप्शन है 1985, 1986, 1987 या 1988। इसका सही आंसर है 1987। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश था। आप सभी के लिए ज्योग्राफी के स्पेशल क्वेश्चन लाए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।
और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पहले मैं ये बता दूं कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। यह बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? इसका आप सभी के लिए ऑप्शन है, जमुना, पद्मा, मेघना या कालिंदी। इसका सही आंसर है पद्मा। गंगा नदी इस पद्मा शाखा की लंबाई 120 किलोमीटर है। बंगाल की खाड़ी के निकट यह मेघना नदी में समाहित हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट सैंड भारत के किस राज्य में प्रमुखता से पाया जाता है? आपकी ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा। इसका सही आंसर है केरल। थोरियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इसकी ऑप्शन है गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या लखनऊ। इसका सही आंसर है देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपकी ऑप्शन है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, पंप पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। अमरावती जलाशय तमिलनाडु के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अब अनामलाई टाइगर रिजर्व रख गया है। तो आपको यदि वीडियो के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें। यदि हमारी वीडियो में आपको कोई कमी लग रही है या वीडियो को कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो पर कमेंट अपना ज़रूर दें, जिससे हम आपकी सजेशन को देखें और उस सजेशन पर काम करें। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपकी ऑप्शन है चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या ले। इसका सही आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। यही विश्व में एल्यूमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसमें गिप्साइट, बॉमाइट तथा डाइस्पोर तथा दो लोहे के ऑक्साइट, ग्रोथाइट एवं हेमाटाइट और एनाटेज की अल्प मात्रा मिश्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित नदियों का अवलोकन कीजिए। आपकी ऑप्शन है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपकी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। सेकंड ऑप्शन है 2, 1, 3 या 4। थर्ड ऑप्शन है 3, 1, 4 या 2। फोर्थ ऑप्शन है 2, 3, 1 या 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1, 2, 3 या 4। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है एंड गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए,
भारत में सबसे पहले गहरे पानी में गैस का उत्पादन किस ब्लॉक में शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, कृष्णा गोदावरी डी, महानदी डीप वाटर ब्लॉक, SB11 या KGDWN। इसका सही आंसर है कृष्णा गोदावरी डी। अप्रैल 2009 में रिलायंस कंपनी ने कृष्णा नदी कृष्णा गोदावरी बेसिन के D6 ब्लॉक से प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थान केसर की उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। कश्मीरी केसर के गुणवत्ता, रंग व स्वाद विश्व के सर्वोत्तम माना जाता है। कश्मीर एक छोटे से क्षेत्र पंपोर में अधिकतर केसर की खेती की जाती है। आप सभी के लिए हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लाए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये रहा भारत में जलीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? आपकी ऑप्शन है खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, सुंदरवन या पलक स्टेट। इसका सही आंसर है पलक स्टेट। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गुजरात के निकट स्थित है। ये आप यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि जलीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता किस स्थान पर होती है और खंबात की खाड़ी किस स्थान पर है। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए रेडी हुए हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? आपके ऑप्शन है अलूबियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, एसिड सल्फेट मृदा। आपके ऑप्शन है इसका सही आंसर है राढ़ लाल मृदा। राढ़ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 90% हीरे शहर में प्रसंस्कृत किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है बड़ौदा, मुंबई, सूरत या जयपुर। इसका सही आंसर है सूरत। गुजरात का सूरत शहर हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे ज्योग्राफी के टॉप 25 MCQs जो हम आप सभी के लिए लाए थे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम आप सभी के लिए ऐसे ही डेली अब MCQs ज्योग्राफी के लाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक हर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये वीडियो आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक यू।